हरियाणा पुलिस ने सारे प्रदेश में नशाखोरी के खिलाफ साइमल्टेनियसली हर जिले में प्रातः 5 बजे से छापेमारी की है, जिसमें 442 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है, 1169 जगहों पर छापे मारे गए हैं, 3315 पुलिस के कर्मचारी इस सारी ऑपरेशन में लगे हैं, 98 FIRs दर्ज की गई हैं अंडर NDPS एक्ट, और 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें ओपियम जो सीज हुई है 3.515 kg, स्मैक जो पकड़ी गई है 20.034 grams, हीरोइन जो पकड़ी गई है 117.85 grams, पॉपी हस्क जो पकड़ी गई है 13.911 kg, और इंजेक्शंस गांजा जो पकड़ा गया है 35.590 किलोग्राम, और इंजेक्शंस जो पकड़े गए हैं वो 20 पकड़े गए हैं। अभी कुछ जिलों की रिपोर्ट आनी बाकी है। बहुत बड़ा ऑपरेशन आज चलाया गया, इसका हमने पीछे हमारी सारे डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई थी नारकोटिक्स के ऊपर, उसमें हमने प्लान कर लिया था और किस दिन करनी है ये मुझे राइट दिया गया था। तो कल शाम को मैंने कहा कि 14 तारीख को सुबह 5 बजे से ये सारे प्रदेश में रेड किए जाएं, और ये हमारा अभियान ये लगातार जारी रहेगा। हम हरियाणा से नशाखोरी को पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक देंगे, इसके लिए हमने सारी प्लान बना ली है। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप जो हमने किया है, इसके आगे चल के हम और भी सख्त कदम उठाने जा रहे हैं।